Hello, student. Good morning. Today I am going to teach you chapter 2, uh, sorry, chapter 3, Windows 10, Understanding Windows 10. Previous class we have completed introduction of Windows 10, uh, introduction of विंडो टेन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर हमने इसके पहले वाले क्लास में चैप्टर थ्री में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना और उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट विंडो टेन के बारे में जाना और इसमें कैसे हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं उसके लिए हम ने ये स्टेप्स के बारे में हमने जाना ये हमने कंप्लीट किया मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अब ये जान गए होंगे सीख गए होंगे कि कैसे हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन कर सकते हैं बिना किसी के हेल्प के सारे चीज़ को आप कैसे ऑन करोगे कब किसको ऑन करना है ये यहाँ पर दिया गया है और आप इसको अब कर सकते हैं आज हम आगे हम पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पर देखेंगे इसी चैप्टर में चैप्टर थ्री में ही पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पर हम पढ़ेंगे यह लेक्चर नंबर फोर्टीन है ध्यान रखेंगे यह लेक्चर नंबर फोर्टीन है आप इस चीज़ को ज़रूर नोट करो कि किस लेक्चर नंबर से कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और किस लेक्चर नंबर पर जा कर के वो समाप्त हो रहा है इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर दो ताकि आप कभी भी ओपन करके जो भी चीज़ नहीं समझ में आए उसको आप ओपन करके पढ़ो तो वो आपको आपको समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो ठीक है तो मैंने बताया पिछले क्लास में कि कैसे आप सिस्टम को आ, ऑन करोगे जब सिस्टम ऑन हो जाएगा जो आपको मैंने सिक्स स्टेप बताया जब वो पूरा हो जाएगा तो इस तरह का फिगर आपके सामने दिखेगा ठीक है जब पूर्ण रूप से कंप्यूटर सिस्टम आपका ऑन हो जाएगा तो यही फिगर आपके सामने आएगा हो सकता है कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड में ये फिगर है आपके सिस्टम में कहीं दूसरा कोई फिगर हो बट इसी टाइप का फिगर आपको आएगा ओपन होगा तो बैकग्राउंड और यहाँ पे छोटे छोटे आइकॉन्स होंगे ठीक है यहाँ पे दे रहा है कि विंडोज डेस्कटॉप इसे हम कहते क्या है डेस्कटॉप ठीक है तो एज सुन एज कंप्यूटर स्टार्ट्स ए स्क्रीन अपीयर्स ऑन द मोनीटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप जब हम कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो ए स्क्रीन अपीयर्स ऑन द मोनीटर तो कंप्यूटर सिस्टम के मोनीटर पर एक स्क्रीन नज़र आता है दिखाई देता है इज कॉल्ड डेस्कटॉप उसे हम क्या कहते हैं डेस्कटॉप इसको क्या कहते हैं डेस्कटॉप कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है डी ई एस के टी ओ पी डेस्कटॉप कहते हैं ठीक है अब इस डिस्कटॉप में बहुत सारे चीज होते हैं जैसे यहाँ पर छोटे छोटे फिगर दिख रहे हैं इसको हम आइकॉन्स बोलते हैं यहाँ दिया गया आइकॉन्स यहाँ पर माउस का पॉइंटर होता है जिसे हम माउस पॉइंटर बोलते हैं जिसको आप माउस जिधर मूव कराएंगे उधर ये मूव मूव करेगा इसको अगर यहाँ ले जाओगे माउस को इधर लेफ्ट साइड में मूव कराओगे तो ये लेफ्ट में भागेगा अगर उसे अप में मूव कराओगे तो ऊपर भागेगा डाउन में मूव कराओगे तो डाउन में जाएगा और राइट में मूव कराओगे तो राइट में जाएगा तो इसे क्या कहते हैं माउस पॉइंटर कहते हैं क्या कहते हैं यह ट्रेंगुलाकार होता है जिसे आप अपने बुक में देख रहे हैं ठीक है या यहाँ पर भी फिगर में आपको क्लियर दिख रहा है ठीक है और उसके बाद हमारा सिस्टम के सबसे लेफ्ट कॉर्नर में लेफ्ट साइड में सबसे कॉर्नर में स्टार्ट बटन होता है क्या होता है स्टार्ट बटन बटन होता है इसको हम जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम हमारे सामने ओपन हो जाता है ठीक है उसमें जिसमें हमको वर्क करना होता है उस पर हम वर्क करते हैं ये स्टार्ट बटन हो गया ठीक है ये टास्क व्यू हो गया ठीक है टास्क व्यू और उसके बाद में इस पार्ट को हम टास्क बार बोलते हैं जो ये ब्लैक पट्टी होता है ठीक है और उसके बाद में इसे यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हम एक्शन सेंटर बोलते हैं और उसके बाद में ये जो सब जो दिखता है इसको हम वाल पेपर बोलते हैं ठीक है तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे ठीक है तब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो किस तरह का फिगर आपके सामने मोनिटर पर दिखता है उस पर ये जो छोटे छोटे आइकॉन्स होते हैं उसे आइकॉन्स कहते हैं छोटे छोटे जो फिगर होते हैं स्मॉल पिक्चर्स उसे हम क्या कहते हैं आइकॉन्स कहते हैं क्या कहते हैं आइकॉन्स ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जब सिस्टम ऑन होता है तो उस पर स्मॉल जो फिगर बनते हैं छोटे छोटे बहुत सारे फिगर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं ऐसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो उसे हम आइकॉन्स कहते हैं ये ध्यान रखना है आपको ठीक है अब हम आइकॉन्स के बारे में देखेंगे स्मॉल पिक्चर सिम्बॉल्स विजिबुल ऑन द डिस्कटॉप आर कॉल्ड आइकॉन्स उसी चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है कि छोटे छोटे जो सिम्बॉल या पिक्चर आपको डिस्कटॉप की स्क्रीन पर विजिबल होता है दिखता है उसे हम आईकॉन्स कहते हैं दे आर यूज टू ओपन ए प्रोग्राम फोल्डर और फाइल्स इसका यूज हम प्रोग्राम फोल्डर और फाइल को ओपन करने में करते हैं समझ रहे हैं किसका आईकॉन्स का क्लियर आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे एक फिगर दिया गया देख रहे हैं इसमें बहुत सारे आइकॉन्स को थोड़ा सा बड़ा फिगर में आपको दिया गया ताकि आप समझ सकें दिख रहा है ज़्यादा आइकॉन्स नहीं है छोटे छोटे दो तीन हैं तो ये कैसे होता है देखिए सिलेक्ट सिलेक्शन ऑफ आइकॉन्स कैसे हम किसी आइकॉन्स को सिलेक्ट करते हैं ठीक है तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं सेलेक्शन मीन्स टू ओपन टू पॉइंट आउट और टू एक्टिवेट द आईकॉन्स फॉलो द स्टेप्स उस आइकॉन्स को ओपेन करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए आपके लिए स्टेप दिया गया है उसके लिए फर्स्ट स्टेप है पुट द माउस पॉइंटर ओवर एनी आइकॉन्स माउस पॉइंटर जो है उसको माउस को मूव करा करके हम किसी भी आइकॉन्स पर ले जा करके उसे रखेंगे ठीक है उसके बाद क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस और उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन जो होता है आ, उसे हम आ, क्लिक करेंगे ठीक है लेफ्ट बटन मीन्स लेफ्ट साइड का जो बटन होता है उसको हम क्या कर देंगे क्लिक कर देंगे और इस तरह से हमारा वो जो आइकॉन्स है वो जो फाइल है वो क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा क्लियर और जब ओपन हो जाएगा तो डी सिलेक्शन ऑफ आइकॉन्स फिर उसको हम कैसे हम हटाएंगे ठीक है डी सिलेक्शन मीन्स चेंजिंग द सेलेक्टेड आइकॉन्स इनटू नॉर्मल पोजिशन फॉलो द स्टेप्स अब उस आइकॉन्स को हम नॉर्मल पोजिशन में फिर कैसे ले आएंगे मूव द माउस पॉइंटर अवे फ्रॉम द सेलेक्टेड आईकॉन्स ठीक है और दूसरा है क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ माउस ऑन ए ब्लैंक स्पेस ऑफ डेस्कटॉप और जो डेस्कटॉप पर ब्लैंक स्पेस है ठीक है उस पर ले जा कर के माउस पॉइंटर को क्या करेंगे क्लिक कर देंगे उसके लेफ्ट बटन को तो वह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा ठीक है पुनः उसके बाद में ओपनिंग ऑफ एन आईकॉन ये तो हो गया सेलेक्ट करने का अब इसके बाद ओपन करने के लिए यू कैन ओपन एन आइकॉन बाय फॉलोइंग और इस तरह से आप आइकॉन्स को फिर ओपन भी कर सकते हो ठीक है ये तो सेलेक्ट हो गया डिसलेक्ट हो गया और यहाँ पे है ओपन करने के लिए सिलेक्ट द आइकॉन एंड क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस ए डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन नाउ क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ ओपन टेक्स्ट कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द आईकॉन्स एंड क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस आइकॉन्स को सिलेक्ट करना है कि कौन सा आइकॉन्स आपको ओपन करना है और उस पर राइट बटन क्लिक करना है ठीक है डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन नाउ क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ द ओपन टेक्स्ट एक बॉक्स आएगा इस तरह से ठीक है उस पर बहुत सारे ऑप्शन लिखे रहेंगे सबसे ऊपर क्या है ओपन ऑप्शन आएगा क्या आएगा ओपन इस पर क्लिक कर देंगे तो वह आइकॉन की वह फाइल जो है आइकॉन्स का वह ओपन हो जाएगा ठीक है और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसाइकिल बिन आइकॉन। रिसाइकल बिन आइकॉन। इसका इसमें क्या होता है रिसाइकल बिन इज एन आइकॉन ऑन द विंडोज डेस्कटॉप दैट रिप्रेजेंट्स ए directory where deleted files are temporarily stored when you delete a file or folder it does not get actually deleted right away it goes to the recycle bin it deleted file remains in the recycle bin unless you empty the bin Deco. जो भी चीज़ आप कंप्यूटर सिस्टम में जिसका आप यूज नहीं करना है आपको तो यह एक ऐसा आइकॉन्स होता है जहाँ पर आप कोई भी चीज़ को डिलीट कर देते हो या टेम्परोरली स्टोर करके रखना चाहते हो तो वह यहाँ पर चला जाता है आप कोई भी चीज़ को डिलीट करते हो तो वह क्लियरली डिलीट होता नहीं है वो चला जाता है कहाँ रिसाइकल बिन में चला जाता है कहाँ चला जाता है बाबू रिसाइकल बिन में ठीक है और वहाँ पर आप किसी फाइल को टेम्प्रोरली मतलब कुछ समय के लिए आप अगर स्टोर करके रखना चाहते हो वो अभी वहाँ पर आप स्टोर करके रख सकते हो ये वो इसका वर्क होता है ठीक है समझ गए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्क नेटवर्क आइकॉन्स क्या है नेटवर्क आइकॉन्स ठीक है अब इसमें जो है नेटवर्क आइकॉन में नेटवर्क आइकॉन्स हेल्प यू टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विथ अदर कंप्यूटर्स इट ऑल्सो डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर यह कह रहा है कि नेटवर्क आइकॉन्स जो होता है इसका वर्क होता है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है ये कौन नेटवर्क आइकॉन्स ठीक है इट ऑल्सो डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर ठीक है और ये कंप्यूटर को कनेक्ट करने का uh, के बारे में सूचना हमें देता है ठीक है उसके बाद में हमारा है टास्क बार क्या है टास्क बार टास्क बार इज द लॉन्गेस्ट औरटल बार दैट कैन बी सीन ऐट द बॉटम ऑफ द डिस्कटॉप इट कंटेन्स स्टार्ट बटन क्विक लंच बार सिस्टम ट्रे एंड शो डेस्कटॉप बटन इट सोज आइकॉन्स ऑफ करेंटली ओपेंड प्रोग्राम्स अब जो है टास्क बार में बताया गया है कि यह एक होरिजेंटल बार होता है डेट सीन एट द बटम ऑफ द डेस्कटॉप जो आप देख सकते हैं एक ब्लैक कलर की पट्टी होती है ठीक है जिसको हम टास्क बार कहते हैं ठीक है ये होता है ठीक है ये दिख रहा है ना आपको ये फिगर इसी में आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन होता है यहाँ पर टास्क भी होता है यहाँ पर एक्शन सेंटर होता है और ये सब किस में होता है टास्क बार में होता है ये सब किस में होता है टास्क बार में ठीक है तो आपसे अगर पूछा जाता है कि टास्क बार में क्या क्या होता है तो आप बताएंगे कि इसमें स्टार्ट बटन होता है ठीक है फिर आपको टास्क व्यू होता है फिर एक्शन सेंटर होता है ये सभी कहाँ होते हैं टास्क बार में ठीक है इट्सोज आइकॉन्स ऑफ करेंटली ओपन प्रोग्राम यहाँ से आप कोई भी चीज को ओपन करके अपना वर्क शुरू कर सकते हो तो सबसे पहला हमारा पॉइंट्स है स्टार्ट बटन जो कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद लेफ्ट साइड में सबसे कॉर्नर में आपको दिखता है जहाँ पे आप उसे जब उस पर आप क्लिक करोगे उस बटन्स पे स्टार्ट बटन पे तो क्या होगा उसके बारे में यहाँ पर अब हमें पढ़ना है इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे